गाइज वेलकम करता हूं आपको आज की को नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमने किस तरह अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फेसबुक को ओपन करना है। फेसबुक को ओपन करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने इन 3 स्लैशेस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आएगा, या आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो आपको यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह फॉर्मेट आएगा, आपने यहाँ पर सेटिंग पर आपने क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह इसका लेआउट आपको नज़र आएगा। यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप यहाँ पर और भी ऑप्शन अगर आप कोई चेक करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ देखना चाहते हैं, सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पासवर्ड आपने किस तरह चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करने के लिए आपने पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह आपको इसका लेआउट नज़र आएगा। यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि आपने कौन सी डिवाइस पर लॉगिन किया हुआ है और आप कहाँ से हैं। मैंने यहाँ पर हाइड किया हुआ है। तो आपने पासवर्ड कैसे चेंज करना है, आपने थोड़ा सा नीचे जाना है और आपको यहाँ पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने इस तरह इसका लेआउट नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दो फैक्टर हो सकते हैं, दो बातें हो सकती हैं। अगर आपको अपना करंट पासवर्ड जो आपके फेसबुक अकाउंट का है अगर आपको याद है तो कोई भी मसला नहीं है, आप यहाँ पर अपना करंट पासवर्ड इंटर करें, उसके बाद जो आप न्यू पासवर्ड ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। लेकिन मसला तब होगा जब आपको अपना पासवर्ड याद ही नहीं होगा, तो आप अपना पासवर्ड कहाँ से लेके आएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपने सिंपली क्या करना होगा कि आपने सिंपली फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। जो भी आपने रिकवरी के लिए फ़ोन नंबर दिया हुआ है या जीमेल दी हुई है वहाँ पर एक कोड आएगा, जैसे आप उस कोड को एंटर करेंगे तो आपका जो करंट पासवर्ड का जो ये ऑप्शन है ये ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ न्यू पासवर्ड और आपने दोबारा उस पासवर्ड को रीटाइप करना है, वो यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँ, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। अब दोस्तों हमने सिंपली पासवर्ड चेंज करना है, मुझे पासवर्ड पता है कि मेरा करंट पासवर्ड क्या है, तो सबसे पहले मैं वो एंटर कर लेता हूं, उसके बाद मैं अपना न्यू पासवर्ड एंटर कर लेता हूं। दोस्तों पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि आपने अपडेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो पासवर्ड है यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आप इसी डिवाइस में लॉगिन रहना चाहते हैं या आप किसी अदर डिवाइस में लॉगिन होना चाहते हैं, तो मैं इसी डिवाइस में लॉगिन होना चाहता हूँ और मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ और जो मेरा पासवर्ड है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह आपने अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।